हेलो एवरीवन, स्वागत एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल अपन ने पढ़ा था पदार्थ व उसके व्यापारिक नाम, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ व उसके रासायनिक सूत्र। देखो, कल अपन ने यह सब चीज़ों को क्या है इनका हिंदी नाम से पढ़ा कि इनका व्यापारिक नाम क्या है। आज अपन पढ़ेंगे इनके रासायनिक सूत्र, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ से अपन कितने भी सवाल पढ़ें, चाहे 10 पढ़ें चाहे 20 पढ़ें, लेकिन आप उनका क्या करना, हमेशा डबल करके चलना कि अपन ने कितने सवाल क्लियर करे हैं, तो डबल सवाल क्लियर करे हैं। अब पूछोगे आप कैसे, क्योंकि ऐसे भी आपसे पूछ सकता है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो यहाँ से सूत्र लिख रखा है वह अपन बता देंगे। और जिस सूत्र को आपको सवाल में दे सकता है Na2CO3.10H2O किसका रासायनिक सूत्र है, तो आप क्या बताएंगे, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो ऐसे आपसे कितने भी सवाल है, चाहे 15 हो तो आप 2 गुणा करके याद रखेंगे कितने सवाल अपन पढ़ेंगे, ऐसे 30 है, 10 है तो 20, 20 है तो 40। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना आप इसको। आगे बढ़ते हैं, आइए सेशन को चालू करते हैं बिना वक्त को जाया करें। सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, पहला आता है हमारा धावन सोडा, लिखिए धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुके हैं, Na2CO3.10H2O, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी होगी। इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। ऐसे तो जब आप बोलोगे इसको हिंदी में, जैसे कल का सेशन अपना यही था, धावन सोडा का व्यापारिक नाम क्या है, तो अपन ने क्या बताया था वैज्ञानिक नाम क्या है, तो अपना नाम आंसर था सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अब इससे पूछिए रासायनिक सूत्र, तो अपन उसको पूरा बताएंगे, Na2CO3.10H2O, यहाँ तक के पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो पहला हमारा क्लियर हो चुका है Na2CO3.10H2O, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। अब आता है हमारा विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला लिखिए आप CaOCl2, ठीक है। यहाँ भी यही लिखा हुआ है, लेकिन ये अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, आप यहाँ से याद रखना CaOCl2। किसका फॉर्मूला है ये, विरंजक चूर्ण का। अब आता है हमारा जिप्सम का, जिप्सम का फॉर्मूला लिखिए आप CaSO4.2H2O, क्या है CaSO4.2H2O। यहाँ पे ये दशमलव लगाना भूल जाता है टाइप करने में, तो लिखिए। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र मैंने आपको बताया CaOCl2, क्या है CaOCl2। फिर अपन ने पढ़ा जिप्सम का CaSO4.2H2O, ठीक है। अब आता है हमारा अगला, देखो अभी तक अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था CaSO4.2H2O, सेम फॉर्मूला लिखूंगा CaSO4.5H2O, ये का फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4.5H2O, यह हो जाएगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, POP का फॉर्मूला। पॉइंट यहाँ से क्लियर हो चुके हैं, तो जिप्सम CaSO4.2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O, ठीक है। D2O, कल अपन ने आपको बता दिया था भारी जल का रासायनिक सूत्र, यह कल हमारा क्लियर हो चुका था, दोबारा रिवाइज करेंगे D2O, ठीक है। लाफिंग गैस नाइट्रक्स ऑक्साइड, यह भी कल हमारा क्लियर था N2O। अब आता है हमारा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का बोले बताता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका फॉर्मूला है NaOH, ये गलत टाइप हो रहा है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है NaOH, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, यह कल हमारे क्लियर हो चुका है। और अम्लराज, देखो हमारे अभी तक शायद 2 दिन पहले की क्लास थी, अपन ने पढ़ा था अलॉयज अर्थात मिश्र धातु, मिश्र धातु में अपन ने अम्लराज का नाम पढ़ा था। अम्लराज क्या होता है, पारे की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। उसका रासायनिक सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो बार आप पढ़ेंगे मेरे साथ HNO3+HCl, ठीक है। यह आज का हमारा सेशन था, तो आज अपन ने क्या पढ़ा, पदार्थ में उसके रासायनिक सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। अपन ने 10 क्वेश्चन पढ़े, लेकिन वही आपको पहली बार जब बताया था 10 × 2, अपन ने अब तक कितनी चीज़ें क्लियर करी, 20 पॉइंट यहाँ से क्लियर कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, एक नहीं दो बार पढ़ना है। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।